Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will do another chapter of income tax, that is deduction. देखिए अब तक हमने जो भी पढ़ा इनकम टैक्स में दैट इज व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स देन हम देखा हाउ टू कंप्यूट इनकम इनकम टैक्स फ्रॉम द टैक्स ओवर इनकम हमने सब देखा बट अगर हमने देखा हो आपको अच्छे से बताया कि इनकम टैक्स जब भी हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं हम पहले हम निकालते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम देखिए आती कैसे है फ्रॉम ऑल द अदर हेड्स लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी यू विल गेट दिस इन सम अमाउंट देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू विल गेट सम टैक्सेबल अमाउंट देन इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यू विल गेट सम टैक्सेबल अमाउंट फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन देन इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेस देन आफ्टर एडिंग ऑल दिस इनकम वी विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम After adding all these heads, then we will deduct deductions which are basically allowed from under section 80C to 80U. We will deduct all these deductions and after that we will get total taxable income. देखिए सो फार अब तक हमने क्या क्या कराया है हमने देखा है कि बेसिक कंसेप्ट कि इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम ठीक है और जब भी हम कंप्यूट करते हैं ऊपर करते हैं इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम पे कैसे करते हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम अनदर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिडक्शन। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर रेज हो रहा होगा सर वाई आर यू टीचिंग दिस सब्जेक्ट राइट नाउ बिकॉज वी हैव नॉट डन सी ऑल दीज। देखिए मैं आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज डिडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो हर हेड में आएगा ठीक है। जैसे देखिए सपोज अगर हमने सैलरी से टैक्स इनकम निकाला अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है वट इज़ द टैक्सेबल इनकम और कंसर्वेटिव वट विल बी द टैक्सेबल लायबिलिटी तो उसमें आपका रिफ्लेक्शन जो है आपका डिडक्शन का भी आएगा ठीक है। देखिए जो हमने सेकेंड चैप्टर कहता था दैट इज कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी वहाँ पर हमने देखा था हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन में देखा था वहाँ पर एक लैंग्वेज लिखी हुई थी दैट इज डिडक्शन अलाउड फ्रॉम अंडर सेक्शन फ्रॉम 80C टू 80U वहाँ पर आपको एक डायरेक्ट अमाउंट दिया था एंड दैट मीन्स आपको वहाँ पर कैलकुलेट अमाउंट दिया था बट वो कैसे अमाउंट है वो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे इन द चैप्टर दैट इज डिडक्शन ठीक है। तो देखिए इनकम फ्रॉम डिडक्शन बेसिकली होता क्या है दैट इज वंस वी अराइव एट द ग्रोस टोटल इनकम वी प्रोवाइड सर्टेन डिडक्शन और यू कैन से that government giving some additional discount. These deduction reduce the tax burden
ऑन द असेसी एंड आर गिवन बाय द गवर्नमेंट सो टू एनकरेज द असेसी टू इन्वेस्ट और टू यूटिलाइज देयर इनकम इन अ पर्टिकुलर मैनर. ओके सो दैट्स वाई गवर्नमेंट गिविंग दिस डिडक्शन. ठीक है, अब तरह ध्यान से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए. वैसे तो देखिए मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ, बट अगर आपने फोकस अगर आपने किया होगा जब हमने निकाला था हाउ टू कंप्यूट द टैक्सेबल लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल टैक्सेबल इनकम. सो देखिए जो आपकी जो डिडक्शन आती है वो किसमें आती है आपकी, एज पर एक्ट चैप्टर सिक्स. ठीक है, चैप्टर सिक्स में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, दैट दी डिडक्शन आर नॉट अलाउड. मैं लिख भी देता हूँ, डिडक्शंस आर नॉट अलाउड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ, मैं यहाँ लिख पॉइंट पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ LTCG एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी. एज वेल एज हॉर्स रेसेस. ठीक है, ये कंसेप्ट एक्चुअली हमने पहले ही पढ़ लिया था. जैसे देखिए हमने अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए मान लीजिए अगर आपकी नॉर्मल इनकम आपको गिवन सपोज 8 लाख एंड दी स्पेशल इनकम इज गिवन टू यू दैट इज रुपीज 2 लाख. ठीक है, एंड फिर आप क्या करते हैं, आप इसमें से डिडक्शंस माइनस कर देते. मान लीजिए डिडक्शन आपको गिवन है 50,000, आपने लेस कर दिया आपने. ठीक है, सो देखिए आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको टोटल टैक्सेबल इनकम आपको कितनी मिली आपको यहाँ पर आपकी, दैट इज 7,50,000. ठीक है, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू कंप्यूट द टैक्स आप क्या करते हो, यू यू जस्ट नीड टू सेग्रीगेट दिस इनकम इन टू टू पार्ट, दैट इज नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम. ठीक है, स्पेशल इनकम कितनी यहाँ पर देखिए 2 लाख, बट नॉर्मल इनकम है कितनी, रेवेन्यू कितनी रहेगी 5,50,000. सो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो नॉर्मल इनकम की डिडक्शन तो आपकी सेटअप यहाँ से हुई है, स्पेशल इनकम की तो हुई नहीं है. तो वही तो मैंने ऊपर लिखा है, यदि डिडक्शन एज पर दी चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन आर नॉट अलाउड फ्रॉम दी एनी टाइप ऑफ LTCG एंड STCG विच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एज वेल एज विनिंग फ्रॉम लॉटरी और एनी काइंड ऑफ हॉर्स रेसेस, दैट इज जो आपका जो स्टेट है कह सकते हो, दैट इज जो जितने भी स्पेशल इनकम है उसको सबको हटा दो तो ही आपको जो है दैट मीन्स आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सब फिर किस पे मिलेगी, नॉर्मल इनकम पे. ओके, नाउ मूविंग टू डिडक्शन. देखिए जो हम डिडक्शन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 80C टू 80U. ठीक है, अल्फाबेट वगैरह सब पढ़ेंगे हम. फर्स्ट पढ़ते हैं हम सेक्शन 80C. 80C में क्या क्या इंक्लूड होता है, डिडक्शंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, PF कंट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन. अभी मैं आपको इसके लिस्ट भी लिखाऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं. सो 80C क्या होती है आपकी, बेसिकली
डिडक्शंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम पीएम सॉरी प्रीमियम, पीएफ कंट्रीब्यूशन एसेट्रा। आप सवाल उठते हैं, गवर्नमेंट ने ये डिडक्शन दे क्यों रही है? देखिए, आप अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, फैमिली की लाइफ सिक्योर करने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, उसका प्रीमियम आप भर रहे हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको डिडक्शन दे रही है उसकी। ऐसे ही अगर मान लीजिए फॉर दी सेविंग के लिए अगर आप जो है कुछ पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो कि प्रोविडेंट फंड में, तो उस पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, एडिशनल आपको डिडक्शन दे रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का मेन मोटिव है क्या यहाँ पे? टू एनकरेज फॉर सेविंग्स। एटीसी बेसिकली किसी किस किसके लिए है? एंकरेज फॉर सेविंग्स। देखिए, अगर आपको अच्छे से याद होगा, अगर आपने पेपर अच्छे से पढ़ा भी होगा, कि जब bubble.com आया था तब पूरे वर्ल्ड में जो है लिक्विडिटी की बहुत बड़ी कमी थी, बट इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था जहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ सेविंग्स हमारे कंट्री में जो लिक्विडिटी वो बनी रही, यानी कि थोड़ी बहुत कम थी, बट इसका जो मेजरली इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारे कंट्री ने जो इतना बड़ा सिस्टम बना रखा था कि एक तो गवर्नमेंट आपको एंकरेज कर रही है कि आप सेविंग करो ताकि उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे बैंक अकाउंट में इतना अच्छा फंड अवेलेबल था कि मार्केट में लिक्विडिटी कमी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं एटीसी में देखिए क्या क्या इंक्लूडेड है। ध्यान से देखिए, दिस सेक्शन इज बेसिकली अवेलेबल फॉर अवेलेबल किसके लिए है? ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। 80C किसको मिलेगा? ओनली टू इंडिविजुअल एंड टू एचयूएफ। ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,50,000 और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। क्या बोला उसमें? 80C में अगर कोई भी कुछ लिस्ट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, अभी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, अगर वो इस लिस्ट में अगर इन्वेस्ट करता है, कौन करेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,40,000। ठीक है, या फिर जितना वो स्पेंड करेगा विच एवर इज लेस। अगर 140 करा तो 140 डिडक्शन मिलेगी, 150 करा तो 150 मिलेगी, 180 करा तो भी 150 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट क्या क्या लिस्ट है इसमें। देखिए ध्यान से, डी एच एल आर ई एस टी, डी एच एल आर ई एस टी, डी एच एल वेस्ट। देखिए, याद करने का सबसे बड़ा तरीका है कि इसको कैसे याद करें। पहले तो हम बात करते हैं डी की। यहाँ पर डी क्या है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट किस किस में करेंगे? डिपॉजिट हम करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, देन सुपर सीनियर सिटीजन स्कीम,
देन पीपीएफ, देन एफडी, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, या फिर नेशनल हाउसिंग बॉन्ड। ठीक है, दैट मीन्स अगर इंडिविजुअल या फिर एचओआर अगर कोई इन सब में जो है इन्वेस्ट करता है, सुकन्या सेविंग अकाउंट, देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, देन पीपीएफ, देन फिक्स डिपॉजिट, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग, या फिर नेशनल हाउसिंग बॉन्ड। अच्छा याद रखना, ये जो पीएफ है या एफडी है, इसमें आपको आपको जो है 5 ईयर्स मिनिमम, सॉरी 5 ईयर्स की आपको एफडी कराओगे तो ही आपको डिडक्शन रहेगी। दैट मीन्स ये आपका लॉक इन पीरियड है। ठीक, तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आपको आपको एफडी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपको 5 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होगा आपको डी फोर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट वन इज एच एच फोर हाउस फॉर रेसिडेंट। क्या मतलब है? अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने या एचयूएफ ने अगर घर खरीदा, तो वो भी गवर्नमेंट इसको एक तरह की इन्वेस्टमेंट मानती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको इस पे डिडक्शन दे रही है। इसके लिए एक कोई नोट करना, दैट से मान लीजिए अगर आपने 90 लाख का अपना घर खरीदा, उसे सपोज अगर आपने 5% स्टैंप ड्यूटी दी, ठीक है, तो 5% जो है स्टैंप ड्यूटी कितनी हुई, 4,50,000, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, और देखिए आपने जो घर खरीदा उसका आप किस पर्पस के लिए ले रहे हो, या तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करोगे या तो उसको आप लेट आउट करोगे, किसी भी पर्पज से अगर गवर्नमेंट यहाँ पर आपको एडिशन डिडक्शन देगी तो। ठीक है, हाँ ये हो सकता है अगर मान लीजिए अपन यही घर जो है लोन से लिया हो। ठीक है, सो गवर्नमेंट आपको किस चीज़ की डिडक्शन देगी यहाँ पर, आपको ईएमआई पे देगी, बट वो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे। आई रिपीट, अगर आपने घर खुद खरीदा, सारा सारा कैश दे दिया, या जो भी दिया आपने बैंक सारे पेमेंट इकट्ठे कर दी, ठीक है, लोन नहीं लिया, ठीक है, तो आप उसको जो है उसकी वैल्यू प्लस उसकी स्टैंप ड्यूटी, तो उस पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1,50,000, चाहे आप उस घर का किसी पर फंसा, या तो खुद रहो या तो सब रेंट पे चढ़ा दो, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट, तो गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम कितनी डिडक्शन देगी, 1,50,000, नो डाउट इस केस में। अगर वही घर आपने जो है पूरी पेमेंट ना करके अगर आपने उसको लोन से लोन करा के लिया हो, तो गवर्नमेंट आपको ईएमआई पे आपको उसकी डिडक्शन दे रही है, लेकिन ईएमआई भी आपकी दो दो पार्ट होते हैं, उसमें आपकी बाइफरकेशन होती है, सेग्रीगेट होता है, किसमें प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। सो गवर्नमेंट आपको यहाँ पर 80 में प्रिंसिपल अमाउंट में आपको यहाँ पर डिडक्शन दे रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज एल एल का यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर बेसिकली मिला हुआ है प्रेजेंट स्टेक होल्डर, चलिए मैक्सिमम 20% आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर आपने 2012 से पहले लाइफ इंश्योरेंस आपने कराई, मैक्सिमम 10% आपको डिडक्शन मिलेगी इसमें, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस 2012 के बाद ली हो। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम 15% आपको इसमें डिडक्शन मिलेगी,
अगर 2013 के बाद लिया हो, ठीक है, बट देर इज सम कंडीशन ऑन दैट। ये किसको मिलेगी? ये सिर्फ किसको मिलेगी? डिसेबल को, या फिर किसी को सीवियर डिसीज हो, ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ परसेंट, इसका परसेंट ऑफ सम एश्योर, परसेंट ऑफ सम एश्योर, ठीक है, उतनी ही डिडक्शन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, कि कोई मिस्टर जे है, मान लीजिए उसने प्रीमियम जो कराया था, सपोज कराया उसने 1,40,000 का, ठीक है, एंड उसने प्रीमियम भराई, क्या अमाउंट है, सपोज ये प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है, बट उसका जो लाइफ इंश्योरेंस है LIC हो, कितने की है, सपोज 6 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने अभी इसी, हम कह रहे हैं फॉर दिस फाइनेंशियल दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कितनी रिडक्शन मिलेगी? मैक्स टू मैक्स आपको उसको कितनी मिलेगी? 10%, ठीक है, क्योंकि डिडक्शन अलाउड टेन परसेंट ऑफ 6 लाख, दैट इज 60,000, ठीक है, क्योंकि हम बात करें फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 1920, ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर 2012, ठीक है। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि उस इंडिविजुअल ने या फिर उस HCF ने प्रीमियम जो है उसने 2012 के बाद लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट, यानी कि आर पे आएंगे हम। आर के यहाँ पर आपका रिटायरमेंट प्लान, अगर कोई रिटायरमेंट प्लान लिया है किसने, इंडिविजुअल ने या फिर HCF ने, तो उसको मैक्सिमम 1.5 लाख पे इसको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज ई, ई क्या है यहाँ पर आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज, यहाँ देखना, यहाँ पर वर्ड लिखा है एम्प्लॉयज, नॉट एम्प्लॉयर्स, यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। किस किस में मिलेगी? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। तो इन सब में अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो उसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। नाउ कम टू एस, दैट इज सब्सक्रिप्शन, या फिर मान लीजिए इसको आपने परचेज किया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ कहाँ पे किया है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, यूएलएफ, ठीक है। अगर इन सब में आपने आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न 1.5 लाख की मिल जाएगी। देयर इज अ कंडीशन, अगर आप इनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपका जो मनी है वो इन्वेस्ट 3 ईयर्स के लिए आपका क्या आएगा? लॉक इन पीरियड ही आएगा, ब्लॉक हो जाएगा आपका पैसा 3 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टी, टी के यहाँ पर आपका ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस कैसे कैसे अलाउड मिलेगी? अगर किसी इंडिविजुअल के या HCF के इसमें डिडक्शन मिलेगी अप टू ओनली 2 चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के 3 बच्चे हैं तो वो किसी भी 2 बच्चों के वो डिडक्शन यहाँ पर ट्यूशन फीस की ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्यूशन फीस अंदर, यानी ऐसा नहीं है कि आप CA की क्लास ले रहे हो उसके आपको डिडक्शन ले रहे हैं आपके पिताजी, ये वो वाला नहीं है। ये कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए? फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया,
तो ये दो शर्तें हैं तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ये था आपका 80C। 80C ध्यान से देखिएगा, किसको मिलेगा? ओनली टू इंडिविजुअल NHEF, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी है 1,50,000 और अमाउंट पे विच एवर इज लेस। याद करने का तरीका बताया मैंने, DHL, REST, D फॉर डिपॉजिट, H फॉर हाउसिंग, L फॉर लाइफ इंश्योरेंस, R फॉर रिटायरमेंट प्लान, E फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, S फॉर सब्सक्रिप्शन, T फॉर ट्यूशन फीस। ठीक है, सो ये था आपका 80C। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिडक्शन, दैट इज ACCC। यह है सेक्शन 80CCC। किसके लिए है ये? इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, किस किस को मिलेगी ये? हु आर द पर्सन एंटाइटल्ड टू गेट दिस डिडक्शन? ओनली टू इंडिविजुअल। और किसको नहीं मिलेगी? देन कितनी डिडक्शन मिलेगी? क्वांटम ऑफ डिडक्शन, वन लैख 50,000 और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। सेम, बट देर इज अ कंडीशन, एन इंटरेस्ट बोनस गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी शैल नॉट बी अलाउड डिडक्शन। ACCC किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। ठीक है, तो ये किसके लिए? सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन 1.5 लाख की है, या फिर जितना आप इन्वेस्टमेंट की विच एवर इज लेस। अगर इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपको किसी भी, या फिर किसी भी डिविजन को किसी टाइप का इंटरेस्ट या फिर बोनस मिल रहा है किससे? उसी सेम इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर वो आपको इसकी डिडक्शन मिलनी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, वो आपके अमाउंट क्योंकि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड दीज टू डिडक्शंस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।